एक मिथ बहुत ज्यादा प्रेविलेंट है, इसे मैं मिथ नहीं बोलूंगा क्योंकि इसके ऊपर जब मैंने रिसर्च करी तो काफी मुश्किल से मैं कंक्लूजन निकाल पाया, लेकिन थैंकफुली कंक्लूजन काफी क्लियर था। लेकिन बहुत सारी कॉन्ट्रडिक्टिंग स्टडीज भी थी, और वो ये है कि क्या हमें क्रिएटिन के साथ कार्बोहाइड्रेट्स लेने चाहिए, या क्या कार्बोहाइड्रेट्स अगर हम क्रिएटिन के साथ लेते हैं तो कोई स्पेशल बेनिफिट होता है क्रिएटिन लेने के, उसका इफेक्ट ज्यादा आता है। ऐसे बहुत सारे सिमिलर क्वेश्चंस आते हैं, तो मैं आपको समझाता हूँ स्टडीज ने क्या प्रूव करा और हम उसको सारा मिला के कैसे कंक्लूड करेंगे। जितनी भी स्टडीज आज तक हुई है उनके बेसिस पे हम क्या कंक्लूजन निकालेंगे। स्टडीज में देखा गया है कि जब क्रिएटिन और कार्बोहाइड्रेट को साथ में इंटेक किया जाता है, उनको लिया जाता है, तो जो आपकी मसल्स का ग्लाइकोजन स्टोर है वो बेटर इंक्रीज होता है। लेकिन स्टडीज में यह भी देखा गया है कि उस ग्लाइकोजन स्टोर्स के साथ क्रिएटिन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आता, यानी आपके मसल के जो क्रिएटिन स्टोर्स हैं वो इंक्रीज नहीं होते कार्बोहाइड्रेट लेने पर। यानी अगर आप क्रिएटिन और कार्बोहाइड्रेट को साथ ले रहे हैं तो कार्बोहाइड्रेट के ऊपर बेनिफिट आ रहा है, उसकी स्टोरेज बढ़ रही है, क्रिएटिन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है। क्रिएटिन सिमिलर इफेक्ट देगा ना, क्रिएटिन की आपकी मसल्स में कोई जो स्टोरेज है वो बेटर हो रही है। ऑन द अदर हैंड कुछ स्टडीज में यह भी प्रूव हुआ है कि जो क्रिएटिन है वो अगर हम कार्बोहाइड्रेट के साथ लें, या फिर क्रिएटिन को हम कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन दोनों के साथ लें, तो जो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट कॉम्बिनेशन है क्रिएटिन का वो ज्यादा इफेक्टिव होता है। हाउएवर मल्टीपल स्टडीज में एक चीज बड़ी क्लियरली प्रूव हुई है कि चाहे आप क्रिएटिन को कार्बोहाइड्रेट के साथ ले रहे हैं या उसे कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन दोनों के साथ ले रहे हैं, उससे एक तो क्रिएटिन स्टोर्स पे कोई बहुत मेजर इफेक्ट नहीं आता, सेकेंड किसी भी स्टडी में इन सारे कॉम्बिनेशंस में किसी की परफॉर्मेंस एनहांसमेंट पे कोई इफेक्ट देखा नहीं गया। यानी मल्टीपल स्पोर्ट्समैन को जब ये सारे डिफरेंट कॉम्बिनेशन दिए गए तो उनकी परफॉर्मेंस पे, उनके कोई लीन बॉडी मास पे, उनकी स्ट्रेंथ लेवल्स पे, उनमें से किसी पे कोई इफेक्ट नहीं आया। तो थ्योरेटिकली जो ये कॉम्बिनेशन है यानी कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन का, ये कुछ रीजन से इफेक्टिव हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली स्टडीज में इन इस कॉम्बिनेशन का कोई भी परफॉर्मेंस के ऊपर स्पेशल बेनिफिट नहीं देखा गया। सो, जो ये क्वेश्चन आता है कि क्या हमें कार्बोहाइड्रेट्स लेने ही चाहिए, या कई लोग आपको बोलते हैं नहीं भैया इसको ग्लूकोज के साथ ही लो, उससे ये हो जाएगा वो हो जाएगा, उन्हें आप प्लीज समझाइए कि ऐसा कुछ नहीं है। क्रिएटिन को अगर हम कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन के साथ नहीं भी लेते तो भी क्रिएटिन इक्वली इफेक्टिव होगा, क्योंकि परफॉर्मेंस पे कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिला है अगर हम उनको साथ भी ले रहे हैं। सेकेंड, अभी हमने पिछले वीडियोस में देखा कि क्रिएटिन को लेने का बेस्ट टाइम क्या था, वो था प्री या पोस्ट वर्कआउट। अब ये वो टाइम है जिसमें मैक्सिमम लोग वैसे ही कोई ना कोई कार्बोहाइड्रेट सोर्स लेते हैं या प्रोटीन सोर्स लेते हैं, तो प्री वर्कआउट मैक्सिमम लोग जो है वो कोई ना कोई कार्ब सोर्स लेके जाते हैं, तो उस टाइम अगर आप क्रिएटिन भी ले रहे हैं विच इज गुड, तो वो दोनों कॉम्बिनेशन बन तो गया, ऐसा नहीं है कोई स्पेशल बेनिफिट होगा, लेकिन ये टेंशन हट जाएगी भाई हमने कार्ब्स के साथ लेना है, क्योंकि प्री वर्कआउट मैक्सिमम लोग कार्बोहाइड्रेट लेते ही, राइट। और सेम चीज पोस्ट वर्कआउट है, जो मैक्सिमम लोग कोई ना कोई प्रोटीन सोर्स या कार्ब सोर्स लेते ही हैं, तो उसके साथ भी अगर आप क्रिएटिन लेते हैं तो आपको एक स्पेशल बेनिफिट हो सकता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा कोई बेनिफिट देखने को नहीं मिला है। तो अगर आप किसी रीजन से वर्कआउट के आसपास कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन नहीं भी लेते हैं तो भी आपका क्रिएटिन उतना ही इफेक्टिव होगा। तो क्रिएटिन का कार्बोहाइड्रेट के साथ या प्रोटीन के साथ या दोनों के साथ लेने से परफॉर्मेंस पे, किसी स्ट्रेंथ पे, पावर पे, किसी पे कोई भी स्पेशल बेनिफिट देखने को नहीं मिला। क्रिएटिन अपने में ही अकेला उतना ही बेनिफिशियल है जितना वो दोनों के साथ है। दोनों के साथ कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कोई स्पेशल इफेक्ट भी नहीं आएगा। सो आई होप ये मिथ आपके दिमाग में क्लियर हो गई होगी, और आगे हम क्रिएटिन पे और भी मिथ्स को क्लियर करेंगे, और ऐसी बहुत सारी अमेजिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए बी एस टूपिड। मेरे पास काफी सारी कॉमन क्वेरीज आती है कि सर हम आपके अंडर ट्रेन कैसे कर सकते हैं, तो शायद इन लोगों ने मेरा जो ऑनलाइन प्रोग्राम है जेनेसिस अभी तक चेक नहीं करा है। जेनेसिस आज की डेट में इंडिया के सबसे एक्सटेंसिव प्रोग्राम में से एक है, जो 40 से ऊपर कंट्रीज में है। अगर आप जेनेसिस के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरी वेबसाइट bstupid.com पे जाइए, वहां पे जेनेसिस के ऊपर सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है।